रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पति नमः। जय जय सीताराम, जय श्री राम। श्री ज्ञानेश्वर भगवान की, श्री ज्ञानेश्वर भगवान की, हर हर महादेव। श्री गीता भक्ति अमृत महोत्सव, आज के इस पावन समारोह में जिनके सानिध्य से इन सभी पूज्य संतों का आशीर्वाद आज यहां प्राप्त होने जा रहा है और विगत एक सप्ताह से संतों का आगमन, महापुरुषों का आगमन इस आयोजन के साथ जुड़ा हुआ है। इस संपूर्ण कार्यक्रम के प्रेरक, मार्गदर्शक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के कोषाध्यक्ष पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरिजी महाराज, योग ऋषि पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज, पूज्य स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज, सुप्रख्यात कथाव्यास पूज्य स्वामी रमेश भाई ओझा जी, साध्वी भगवती देवी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी वहां के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, महाराष्ट्र सरकार के माननीय मंत्री श्री चंद्रकांत पाटिल जी, श्री दलीप वलसे पाटिल जी, श्री गीता भक्ति अमृत महोत्सव के इस आयोजन में पधारे सभी पूज्य संतजन, भक्तजन और उपस्थित बहनों और भाइयों, पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरिजी महाराज की जन्म के अमृत महोत्सव जिसे हम सब श्री गीता भक्ति अमृत महोत्सव के रूप में यहां पर भव्यता के साथ, पूरी दिव्यता के साथ आयोजित कर रहे हैं। इस आयोजन के अवसर पर विगत 75 वर्षों से वैदिक सनातन धर्म के लिए अपने पुरुषार्थ से, अपनी साधना से, अपने परिश्रम से पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरिजी महाराज ने जो कार्य किया, जो आशीर्वाद सनातन हिंदू धर्मावलंबियों को दिया है, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर यह गीता भक्ति अमृत महोत्सव के रूप में हम सबके सामने है। मैं इस अवसर पर अमृत महोत्सव की इस बेला में उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और
ज्ञानेश्वर जी महाराज से ही प्रार्थना करता हूँ कि पूज्य स्वामी जी का सानिध्य, उनका मार्गदर्शन सनातन हिंदू धर्मावलंबियों को एक लंबे समय तक प्राप्त होता रहे, यह उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए प्रार्थना करता हूँ। आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस अद्भुत अवसर पर आनंदी आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मेरे लिए इसलिए भी क्योंकि मैं नाथ संप्रदाय सेतु को जोड़ने का काम किया है पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी ने, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आज मैं स्वयं यहां पर उपस्थित हुआ हूं। मन में बहुत दिनों से इच्छा थी, वर्षों से इच्छा थी। बचपन में मैंने ज्ञानेश्वरी पढ़ी थी और तब से इच्छा होती थी ऐसी दिव्य विभूति कौन है जिनका सानिध्य, जिन्होंने मात्र 15 वर्ष की उम्र में ज्ञानेश्वरी का उपदेश देकर के भक्तों को एक नई राह दिखाई, जिन्होंने 21 वर्ष की उम्र में संजीव समाधि लेकर के भारत की अध्यात्म को पूरे भूमंडल पर लहराने का काम किया था, ऐसे दिव्य संतों का सानिध्य प्राप्त हो। जगतगुरु शंकराचार्य कांची कामकोटि के पूज्य शंकराचार्य जी महाराज इस मंच पर पधारे हैं, मैं उनका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे साक्षात इस परंपरा के प्रति वहां पर दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वहां जाने का अवसर प्राप्त हुआ। बहनों और भाइयों, एक ही परिवार में चार चार सिद्ध संतों का उदय, और महाराष्ट्र वाले इसीलिए सौभाग्यशाली हैं, इन पूज्य संतों का आशीर्वाद आज तो आपको प्राप्त हो रहा है, सैकड़ों वर्षों से प्राप्त हो रहा है। और भक्ति से उपजी ये शक्ति ही दुश्मनों के दांत हमेशा खट्टा करती थी। समर्थ गुरु रामदास जी छत्रपति शिवाजी महाराज को यहीं से पैदा करते हैं, और छत्रपति शिवाजी महाराज पूरे भारत के अंदर उन्होंने जिस तेज को लहराया था उस कालखंड में, सोचिए औरंगजेब की सत्ता को चुनौती देते हुए औरंगजेब को उन्होंने तड़पने और मरने के लिए ऐसा छोड़ दिया कि आज तक कोई पूछ नहीं रहा है। अद्भुत सौर्य और पराक्रम की धरती है, इसलिए है क्योंकि पूज्य संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ, उनकी कृपा हमेशा यहां पे बरसती है। यहां के भक्तों ने अपने पूज्य संतों के सम्मान को जिन ऊंचाइयों तक पहुंचाया है उसका परिणाम है कि शक्ति भी साथ साथ उनकी चलती है। और यह शक्ति का अद्भुत संगम छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में महाराष्ट्र के माध्यम से हम सबको देखने को मिलती है। यह मेरा सौभाग्य है कि जब मैं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब मुझे दायित्व दिया तो मैं आगरा गया था, तो आगरा में
एक म्यूजियम बन रहा था, उसका नाम था मुगल म्यूजियम। मैंने कहा भी मुगल म्यूजियम आज के दिन पे, मैंने कहा इसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज का म्यूजियम रखो। हमारा संबंध छत्रपति शिवाजी महाराज से है, हमारा संबंध मुगलों से नहीं है, और इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर जाना जाएगा ये म्यूजियम, और छत्रपति शिवाजी महाराज की स्मृतियों को वहां पर सजोने का कार्य पूरी भव्यता के साथ आज हम लोग उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में एक डिफेंस कॉरिडोर की घोषणा की। यह डिफेंस कॉरिडोर भी छत्रपति शिवाजी महाराज को ही समर्पित है। भारत की रक्षा सेनाएं आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त होंगी, इस दिशा में कार्य भी वहां हो रहा है। तो यहां पे तो शक्तियां भी जुड़ रही हैं और पूज्य संतों के माध्यम से भी भक्ति भी आपस में एक दूसरे का सानिध्य प्राप्त कर रही हैं, और इसी का परिणाम है जब ये शक्ति मिलेगी, भक्ति और शक्ति का अद्भुत संगम होगा, तब 500 वर्षों की गुलामी की दास्ता से मुक्त होकर के अयोध्या में राम मंदिर का भव्य अद्भुत क्षण भी, वह अलौकिक क्षण भी हम सबको देखने को प्राप्त होता है। हमारे पूज्य संत जन मंच पर भी बैठे हैं, सामने भी बैठे हैं, इनके सानिध्य में प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से, उनके परम पुरुषार्थ से 22 जनवरी 2024 की जो तिथि हम सबको अयोध्या धाम में देखने को मिली थी, अद्भुत है। और ये नई अयोध्या, ये भव्य दिव्य और नव्य अयोध्या आप सबको भी अपनी ओर आमंत्रित कर रही है, और उसी आमंत्रण के साथ आज हम सब पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी, जिन्होंने अपने लिए नहीं सनातन वैदिक धर्म के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, पूरे देश के अंदर पूरी दुनिया के अंदर वैदिक पाठशालाओं की स्थापना करके श्रीमद् भगवत गीता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए वेद पाठी एक लंबी परंपरा को देश को दे करके यह देश वेदों का मार्गदर्शन प्राप्त करेगा। जो कार्य मध्यकाल में समर्थ गुरु रामदास जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज का मार्गदर्शन करके किया था, वह काम आज गोविंद देव गिरी जी के सानिध्य में इस महाराष्ट्र के अंदर, देश के अंदर, दुनिया के अंदर हर सनातन धर्मावलंबी के मन में इस भाव को पैदा करने के लिए उनके सानिध्य में निरंतर चल रहा है। और इस अवसर पर मैं उनके जीवन के 75 वर्ष पूर्ण होने के इस अवसर पर, जब 75वें वर्ष में प्रवेश करने पर गीता भक्ति अमृत महोत्सव के आयोजन के अवसर पर उनकी प्रति हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं। ज्ञानेश्वर जी महाराज से यही प्रार्थना करता हूं कि एक लंबे समय तक पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन हम सभी सनातन धर्मावलंबियों को प्राप्त होता रहे, और उनके नेतृत्व में सनातन धर्म की ध्वज पताका इसी प्रकार से दिग्दिगंत तक लहराती रहे, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति भी मैं इस गीता भक्ति अमृत महोत्सव के अवसर पर अपनी हृदय से एक भव्य आयोजन के लिए बधाई देता हूं, आयोजकों के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और आप सबको अयोध्या के लिए भी सादर आमंत्रित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय जय सीताराम।